हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज लक्ष्मीकांत की वीडियो 33 में हम बात करने जा रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं सबको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, लक्ष्मीकांत की वीडियो 33 है ये। ठीक है, और सभी जो पहले की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, उसको देखिए और लक्ष्मीकांत को समझिए। ओके, आर्टिकल 1 में फ्रेंड्स लिखा गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। एंड आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। ओके, आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 10 कॉन्टिनेंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। एंड आर्टिकल 13 लॉज इन कंसिस्टेंट विद और इन डेगोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 14 में लिखा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में लिखा गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जितने भी टाइटल है इसको अबोलिशन कर दिया, खत्म कर दिया। आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को हमने खत्म कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल द सिटीजन द 6 राइट एंड दे आर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। ओके, ये जो राइट्स जो हैं ये सिटीजन्स को दिए गए आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेज। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टन केसेस। ओके, आर्टिकल 23 प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसीनेंस ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ओके, कल्चर एंड फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में क्या बोलता है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन है। आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ DPSP है। आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर। आर्टिकल 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है गोवा के लिए। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्टिस, शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBC। आर्टिकल 47 में ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। ओके, आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इनके रिलेटेड फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, अच्छे से ध्यान से देख लेना। आर्टिकल 72
पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 83 में है ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 93 द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, आर्टिकल 105 पावर प्रिविलेजेस एट्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ओके, तो इसको भी एक बार चेक कर लेना फ्रेंड्स, मनी बिल के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आर्टिकल 109 में है। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट, आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशंस बिल, आर्टिकल 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रमुगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 125 सैलरीज ऑफ जजेस, आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जज, आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 130 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 136 स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, आर्टिकल 141 में है फ्रेंड्स डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट, आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 149 में है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग, आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमुगेट ऑर्डिनेंस। ओके, 214 हाई कोर्ट फॉर स्टेट। ओके, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। ओके, ए पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स आर्टिकल 225, याद रखना फ्रेंड्स ये बहुत ही जरूरी है। ओके, आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा है और आर्टिकल 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ओके, ये पंचायत जो है ये आर्टिकल 243 बी में है और ग्राम सभा आर्टिकल 243 ए में। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेशन फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, आर्टिकल 267 कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन एंड आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, इसको वे सर्कल कर दो, आर्टिकल 300 ए। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी, 301 फ्रीडम टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ओके, आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। ओके, यूनियन के लिए और स्टेट के लिए आर्टिकल 315 में। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 324 सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 325 नो पर्सन टू बी एलिजिबल टू इनकल्शन आर टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट एंड सेक्सेस, आर्टिकल 326 इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेट असेंबली ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। फ्रेंड्स, हम इन सभी आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स में क्या क्या लिखे हैं ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस में जब हम लक्ष्मीकांत को आगे पढ़ेंगे तो ये सभी जो आर्टिकल्स हैं उसमें आएंगे और हम इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ आर्टिकल को देखिए और आर्टिकल में क्या लिखा है उसको ध्यान से देखिए। ओके, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर SC ST, आर्टिकल 340 अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, 345 ऑफिशियल लैंग्वेज आर लैंग्वेजेस ऑफ ए स्टेट, आर्टिकल 348 लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट, आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ओके, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेजिडेंट रूल बोलते हैं इसको, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 368 में है। ओके,
आर्टिकल 370 टेम्परेरी प्रोविज़न फॉर द एस्टवाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब इसको 5 and 6 August 2019 को इसको डिलीट कर दिया गया था। ओके, आर्टिकल 371 ए स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड। ओके, आर्टिकल 371 जे स्पेशल स्टेटस फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन। ओके, एंड लास्ट आर्टिकल 393 शॉर्ट टाइटल दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और एक बार इस वीडियो को एक बार देख लो, सारे इम्पोर्टेंट जो भी आर्टिकल है उसको एक बार देख करके समझ लो, ठीक है। इतने सारे याद तो नहीं होते हैं, बट आपको एक दो बार इस वीडियो को देखना है और खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है। ओके, तो इन आर्टिकल्स को आने वाली वीडियोज़ में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ओके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और डेली की हम जो वीडियो है वो अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।